आप सबको गोपाल राजू का नमन। क्या कभी वो ऐसा हुआ कि कहता है ऑनलाइन कोई चीज कहता आपने खरीदी हो और आपके हाथ में वो खाली डब्बा आ गया हो, उसकी जगह मिट्टी रखी हुई हो, उसके अंदर साबुन की टिक्की रखी हुई हो, या उसका वो विकल्प कहता है दूसरे तरीके से कहता मान के चलिए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मंगाया और आपका वो टूटा हुआ आया हो, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, कोई इस टाइप की चीज हो। सौभाग्य से हमारे सामने श्री गोपाल नारसन जी हैं, ये कंज्यूमर डिस्प्यूट डिस्ट्रिशल कमीशन के, मैं समझता हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे उत्तराखंड के, और एक दो नहीं बीसियों की संख्या में केस सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, देखिए हम लोग सब अननोन हैं, हमारा मोटिव ये है, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज जो हम देते हैं ये चाहते हैं कि मोटिवेट हो आदमी प्रॉपर डायरेक्शन में। मुझे ये बताइए दो शब्दों में, पहली चीज कि कोई मान लीजिए किसी पे कोई टूटा हुआ आइटम आता है, जैसे आजकल क्रेज चल रहा है ऑनलाइन का, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास जो आता है कुरियर से, हम तो आंखें बंद करके ले लेते हैं, पता चला उसके अंदर टूटा हुआ निकला या उसके अंदर है ही नहीं, ऐसे में क्या करें हम, हमारे राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड हों उसमें? देखिए, समय के साथ खरीदारी का आकार भी बदला है, तरीका भी बदला है, और इसी दिशा में चूंकि हम 21 सदी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसी दिशा में ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हुई है, परचेजिंग हो रही इसका है परचेजिंग हुई है, इसका जो शुरुआत हुई है, जी। तो ये उत्तर आधुनिकता को कह सकते हैं आप कि विश्व वैश्वीकरण के आधार पर हम कहीं से भी घर बैठे कोई भी सामान नहीं, ये खरीद तो सकते माना, हैं, ये सब ऑर्डर दे एक सकते हैं। ऑर्डर दे हाँ, सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है आपका पहली बात यह कि जब आप ऑर्डर दे रहे हैं जी, तो आप उसको जब ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं तो बाकायदा प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से जानकारी कर लें वो लेके ही कि ऑर्डर करता है हाँ आदमी पूरी जानकारी कर लें जी कि इसकी जी क्या इसकी गुणवत्ता नहीं, है, प्रश्न क्या ये नहीं, प्राइस है। प्रश्न ये है कि कोई चीज खराब आती तो हम क्या करें, तो हाँ सबको पता है। हाँ नहीं, हाँ ऐसा है कि जी जब हम कोई वस्तु हम ऑर्डर दिया, उसको पेमेंट भी एडवांस चला गया, जी जब वो कोरियर से या डाक से जैसे भी वो आती है, हाँ तो यदि वो प्रोडक्ट खराब निकलता है जी तो हम उस विषय को लेकर के सबसे पहले तो कंप्लेन उसी करेंगे ठीक है ऑनलाइन ही कि जी आपका ने प्रोडक्ट भेजा ये खराब है, जी। या इसमें प्रोडक्ट नहीं आया, इसकी जगह पत्थर आए हैं, या इसकी जगह साबुन की नहीं टिक्की तो आई है, प्रूफ कैसे कुछ करेंगे वो, तो एकदम कह दें कि हमने नहीं भेजा है तो आपने नहीं बाद नहीं में नहीं चेंज ऐसा किया, नहीं है। हमें तो वो तरीका देखिए, अगर बताइए कि आपको हर आदमी को हमें अवेयरनेस हो ये अगर जी। आप डाक विभाग से कोई प्रोडक्ट आ रहा है जी तब आप पोस्टमैन जब आएगा आपके साथ पास, जी जब तक सिग्नेचर ना करें उस पर हाँ रिसीविंग पर, जब तक आप उसको खोल ना लें, ओके और खोलने के बाद में यदि वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप उसकी रिसीविंग में जहां वो रिसीव लेता है उस पर बाकायदा एक टिप्पणी कीजिए मतलब मना नहीं कि कर सकता, बिल्कुल मना नहीं कर सकता, आपका अधिकार है, ये अधिकार है हमारा अधिकार है आपको जी, कि यही वो तो जानना प्रोडक्ट है। देने आया है आपको, अच्छा और जी प्रोडक्ट के बदले कई बार तो बिल्टी होता है, आप पैसे भी दे रहे हो उसको, कुरियर से आता है, बाई पोस्ट तो आता है, पेमेंट भी होता है कई बार उसमें, हाँ आप वही हाँ पोस्टमैन पेमेंट देते हैं, प्रीपेड कोरियर वालों भी पे पेमेंट पोस्टपेड भी देते होते हैं, हैं जी, तो आपका राइट है वो। ओके आप ओके। देखिए इस तरह कोरियर वालों को भी आप ये मान करिए लीजिए कोई आइटम खराब आ गया हमारे जी पास, है ना, आप ही हैं मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास कोई, मैंने पैकेट मंगाया, मोबाइल मंगाया मैंने जी ऑनलाइन, उसमें मेरे पास साबुन की टिक्की निकली, जी जी तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं, होगा निश्चित रूप मेरा? से यदि आप जिस वक्त आपने खरीदा है जी वो पैकेट खोला है और पैकेट में आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिला, नहीं मिला उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट मिला है, जी तो उसके दो ऑप्शन है। जी नंबर एक, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, जी चीटिंग हुई है, ये कंज्यूमर राइट्स में आ गया, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अच्छा ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है जी, कि आप उसके विरुद्ध 420 आईपीसी के तहत में फोर्जरी आप फोर्जरी का मुकदमा कर सकते हैं कि इसने चीटिंग करके हमसे पैसे लिए जी, और हमारे हमको प्रोडक्ट की बजाय ये प्रोडक्ट आपको बदले में ये साबुन टिक्की या पत्थर वगैरह भेज दिया जी। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कंज्यूमर फोरम, जी कि आप उस विषय को लेकर के आप बाकायदा जो आपने ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर दिया था उसकी आप प्रिंट आउट लीजिए, जो प्रोडक्ट आया है वो लीजिए, और जो पोस्ट ऑफिस या कोरियर वाला उसके जो कमेंट है जो वो लेकर गया है उसकी कॉपी आपको मिल सकती है, आपका अच्छा राइट है वो जी, तो उसको अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट में तलब हो जाएगी वो, ओके तो ओके। आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि साहब हमने जो ऑर्डर दिया था वो प्रोडक्ट हमको नहीं मिला। इस कार्रवाई में जरूरी है कि वकील ही करे? नहीं नहीं नहीं, नहीं कहीं भी किसी कोई भी भी कार्रवाई में कंज्यूमर किसी है भी कार्रवाई में जी, किसी भी कार्रवाई में वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब हम खुद मान लीजिए हाँ, हमारे साथ हाँ, धोखाधड़ी होती हाँ, है बिल्कुल कर सकते हैं तो आप। हमारा कैसे स्टेप, हमें दो स्टेप में बताइए कि हम देखिए क्या करेंगे। आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में नहीं, जाने कोई के मान लिए लीजिए कोई वृद्ध पर्सन है जी, सीनियर सिटीजन है, ऑनलाइन कोई ऐसी सुविधा है? ऑनलाइन जो सुविधा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत में, लेकिन वो कोर्ट नहीं है, बेसिकली बहुत सारी सुविधाएं बनी हुई हमें है, कोर्ट में उसमें कंप्लेन आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा प्लेन प्लेन पेपर में हमें लिखना हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम चूंकि कोर्ट है बाकी तो उसमें तीन लोग होते हैं, मंच है वो, तो वो आपको न्याय सुगमता से प्रदान कर ये सकते तहसील हैं। वाइज होती है डिस्ट्रिक्ट जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है ये। अच्छा हाँ, और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के उसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं और दो मेंबर होते हैं, रुड़की जैसे एक तहसील महिला एक पुरुष। यहाँ कंज्यूमर नहीं, फोरम नहीं का,
तहसील स्तर पर कंज्यूम फोरम का अभी तक एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे पास कोई धोखाधड़ी हुई किसी गांव से या किसी शहर से किसी तहसील से तो हमें कंज्यूमर फोरम में कोर्ट में हमें प्रस्तुत करना। हमने भी हमने बहुत दिनों से मांग करते आए हैं कि जो छोटे छोटे मामले हैं जो पेटी मैटर्स हैं जो कंज्यूमर के छोटे छोटे मामले हैं उनको लेकर के ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर छोटी छोटी अदालतें बननी चाहिए। हम मांग कर रहे इस बात को कि हमें इजी हमारे बहुत इजी हो जाए उसके लिए। लेकिन चूंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अभी तक केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह कोर्ट का प्रोविजन है इसलिए वो हम बाउंड है जब तक उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता। मतलब हमारे राइट सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। पैसा दिया हाँ तो हम सुरक्षित हो गए, बिल्कुल सुरक्षित। हमारे राइट्स हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित है। और ऑनलाइन तो आप कहीं से कर सकते हैं, आपने अपने घर मंगाया ऑनलाइन ऑर्डर किया हाँ। तो आपकी ज्यूरिडिक्शन अपने घर के पास होगी। अच्छा। आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी। जी 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 नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे इस टाइप की एडवाइस लेते रहेंगे और ये वो चीजें हैं। देखिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आम लोगों को पता नहीं हो और कम से कम अवेयरनेस हो लोगों में हमारे कंज्यूमर राइट्स। निश्चित रूप से हमारे जागो ग्राहक जागो, इसीलिए आपका जो नारा है ये बिल्कुल सर जागो ग्राहक जागो ग्राहक जागो। अच्छा अवेयरनेस के लिए हम जाग नहीं रहे, बस जागना तो पड़ेगा, हमारी कमी है। निश्चित रूप से इससे लाभ इसका उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। एक मैं और निवेदन कर दूं कि जिस तरह से आपने भी बताया कि वकील की आवश्यकता नहीं होती, मैं भी मानना हूं वकील की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब आप किसी कंपनी के विरुद्ध, किसी बड़े दुकानदार के विरुद्ध, किसी प्रतिष्ठान के विरुद्ध अगर आप केस दायर करने जाते हैं तो उनके लॉ ऑफिसर होते हैं जी, बाकी तो परिपक्व होते हैं, वो रिसोर्सफुल होते हैं, इसलिए मजबूरी में फिर कंज्यूमर को वकील करना पड़ता है क्योंकि कंज्यूमर को कानून की जानकारी नहीं होती, लेटेस्ट रूलिंग की जानकारी नहीं होती। तो अच्छा यही है कि कंज्यूमर भी अपना वकील कर ले ताकि वो मजबूती के साथ अपना केस लड़ सके। और अगर आपके पास वकील नहीं और आप चाहते हैं तो सरकार ने यह व्यवस्था की है कि आपको निःशुल्क वकील प्रोवाइड करा के देंगे। बाकायदा ये जो कंज्यूमर फोरम के एडवोकेट्स होते हैं ये कंज्यूमर फोरम के ही केस लेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी वकील कहीं भी केस लड़ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और आपको सरकार भी वकील दे सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो हर जिला लेवल पर जिला विधिक विकास प्राधिकरण, धन्यवाद। देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए ताकि कोई भी आदमी किसी धोखाधड़ी से आगे बिल्कुल परेशान नहीं हो, त्रस्त नहीं हो, कभी सफर नहीं करे। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। थैंक यू।